हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं श्री कृष्ण जी को भोग लगाने के लिए धनिया की पंजीरी बना रही हूँ जन्माष्टमी के पर्व पर। मैंने ले लिया है एक फ्राई पैन और उसे रख दिया है गैस पर गर्म होने के लिए। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा घी और घी डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी धनिया। धनिया मैंने करीब 1/4 कप धनिया ले लिया है और ये 100 ग्राम धनिया है। इसे हम धीमी आँच पर ही हल्का सुनहरी होने तक अच्छे से सेकेंगे ताकि ये बढ़िया से भुन जाए और इसमें कच्चापन ना रहे। तो धीमी आंच पर ही हमें इसे लगातार चलाते हुए भूनना है और ये बहुत जल्दी भी भून जाता है। आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। ये देखिए धनिया मेरा सिक चुका है। अब मैं इसे थोड़ा सा एक थाली में निकाल लूँगी और इसे निकालने के बाद हमें और भी ड्राई फ्रूट्स को घी में सेकना है, तो फिर हम उसे सेकते हैं। अब मैंने फिर से फ्राई पैन रख दिया है और इसमें मैं फिर से दोबारा थोड़ा सा घी डालूंगी। जब भी ड्राई फ्रूट्स हमको सेकना होते हैं तो सबको अलग अलग सेकना रहता है, इसलिए बार बार घी डालना पड़ता है। तो मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है और इसमें मैं डाल दूंगी बादाम। बादाम इस बार मैंने ज़्यादा नहीं लिए क्योंकि मैंने पंजीरी बहुत कम क्वांटिटी में बनानी है और सभी मिलकर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है, तो बादाम भी मेरे भुंज गए हैं। अब मैंने फिर से ले लिया है थोड़ा सा घी। घी जब तक मेल्ट हो रहा है हम इसमें डाल देंगे थोड़े से मखाने। सभी मैंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लिया है क्योंकि सभी मिलकर बहुत ज़्यादा पंजीरी बनती है और फिर वो खाने में ज़्यादा नहीं आती है। अभी त्यौहार है तो खा लेते हैं, इसलिए मैंने थोड़ी सी ही बनानी है मुझे, तो मैं थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में सारे मेवे ले लूँगी। और मखाने भी हमारे सीख जाएंगे तो इसे भी मैं अलग कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं काजू और थोड़े से मगज के बीज और नारियल का बुरादा, वो तीनों को मैं ले लूँगी और उन्हें भी अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। ये भी सीख गया है, इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। नारियल मैंने नारियल का जो गोला होता है उसे किस लिया है, आपके पास नहीं है तो आप उसका चूरा भी ले सकते हैं। अभी सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने ठंडे होने के लिए रख दिए हैं। कुछ ही अलग मैंने रख लिए हैं गार्निशिंग के लिए, काजू बादाम मखाने और किशमिश। किशमिश थोड़ी लंबी है तो उन्हें मैं 2 टुकड़े कर लूँगी। अब मैंने ले लिया है मिक्सर ग्राइंडर और इसमें भी जो धनिया मैंने सेक कर रखा था उस धनिया को मैं इसमें पीस लूँगी। पीसना हमें एकदम महीन नहीं है, हल्का सा दरदरा रहेगा तभी तक हमें पीसना है। इसके लिए मैंने एक परात ले ली है और परात में मैं ये धनिया पीस चुका है। देखिए ये इस तरीके से रहेगा, ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा बारीक। अब मैं क्या करूँगी, सारे ड्राई फ्रूट्स भी ले लूँगी जो मैंने सेक कर रखे हैं, उन्हें भी मैं मिक्सी में पीस लूँगी। उसे भी हमें बन चालू करके मिक्सी को पीसना है, एकदम महीन नहीं पीसना है, थोड़ा सा दरदरा रहेगा। तो इसमें मैं ये सारे ड्राई फ्रूट डाल के और इनको भी पीस लूँगी। अगर आप लोगों ने अभी तक इस टाइप से पंजीरी धनिया की नहीं बनाई है तो ज़रूर इसे बनाइए और कान्हा को भोग लगाइए, वो आपकी ज़रूर इच्छा पूरी करेंगे। मेरी उनसे यही विनती है कि वो आप लोगों की हर एक मनोकामना को पूर्ण करें। और ये खाने में भी बहुत अच्छी लगती है, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी अच्छा करता है। इसे ज़रूर खाना चाहिए, इसमें सारी हेल्दी चीज़ें हैं। ये देखिए सब में पिस गया है मेरे सारे मेवे और इस धनिया में मैं इसको मिला दूंगी और इसके बाद ये जो मैंने देखिए गार्निशिंग के लिए रखा था इसमें मैं इसको डाल दूंगी और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमें मीठा मिलाना है, तो मीठा मिलाने के लिए श्री कृष्ण जी को मिश्री बहुत पसंद थी, तो अब मैं मिश्री ले लूँगी धागे वाली और उसको मैं पहले पीस लूँगी, उसके बाद फिर इसमें मिलाऊँगी। पंजीरी बनाने के बाद मुझे पंचामृत भी बनाना है, तो मैं इसको बना लूँ उसके बाद आपको पंचामृत बताऊँगी। ये करीब 1/4 कप देखिए धागा है इसमें और ये धागे वाली मिश्री है, यही शुद्ध मिश्री कही जाती है। इसको भी मैंने पीस लिया है और देखिए ये 1 कप के करीब, कटोरी के करीब ये हो गई है और इसे हम इसमें मिक्स कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे।
देखिए कितनी इजी है ये पंजीरी बनाना, और आप लोग ज़रूर बनाइए इसे, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक तो कर ही दीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कान्हा जी को ये वाली पंजीरी बनाकर उन्हें भोग लगाया है कि नहीं। और ये बनने के बाद और बहुत ही अच्छी लगती है, जितनी दिखने में अच्छी लग रही है उतनी ही खाने में अच्छी लगती है, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मीठा आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा मीठा खाना चाहते हैं। ये देखिए पंजीरी मेरी रेडी हो गई है और मैंने इसे गार्निश कर दिया है। इसमें मैं तुलसी लगा दे रही हूँ, तुलसी की पत्तियाँ। आप लोग भी ज़रूर पंजीरी में तुलसी डालकर उन्हें भोग लगाइए। आप सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।